आपके लिए एक जरूरी सूचना, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। कृपया अपनी जिम्मेदारी पर ही पूरी वीडियो को देखें। अरे भाई पांड्या, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? और भाई देखो तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है। अरे चिकू दादा, अरे भैया ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अरे यार तुमने तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली और बताया भी नहीं। और बताओ चिकू दादा, मिठाई कब खिला रहे हो? पुलिस की नौकरी ज्वाइन जो कर ली है तुमने। अरे क्या करूं पांड्या, साले तुम लोगों ने मेरी क्रिकेट की नौकरी छीन ली। यार सोचा था 2023 में मैं कप्तान बनूंगा, पर मुझे लगता है ये मेरा सपना अधूरा रहने वाला है, क्योंकि भैया बीसीसीआई वाले कभी रोहित को कप्तान बना देते हैं तो कभी गब्बर और राहुल को। और भैया देखो तुम्हें भी कप्तान बना दिया, पर मेरा कप्तान बनने का नंबर नहीं आया, इसलिए भैया मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि पांड्या भैया देखो, बैटिंग करने से अब मेरा घर नहीं चलता। ये बात तो बिल्कुल सही है विराट दादा, छक्के चौके हम दोनों लगाते हैं और कैप्टन कोई और बन जाता है। भैया हमारे साथ ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। भैया हम दोनों बीसीसीआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ हाँ कर लो धरना प्रदर्शन, कुछ नहीं होने वाला। अरे नाम है मेरा केएल राहुल, आ गया मुझ में जोश, और 2023 में बनूंगा कप्तान, उससे उड़ जाएंगे तुम्हारे होश। वाह राहुल दादा वाह, शायरी तो तुम बहुत ही जबरदस्त मार लेते हो, थोड़ी मेहरबानी करके मैच में रन भी बना लिया करो। अरे भैया जब तुम बैटिंग करने जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रन मारते हो। अरे राहुल दादा मुझे तो लगता है तुम्हारे बल्ले को जंग लग गया है। अरे भाई तुम बकरे के तेल से मालिश करो अपने बल्ले की, ताकि थोड़ी जान आ जाए और तुम अच्छे रन बना पाओ। अरे तुम लोग चुप हो जाओ यार। और तुम बताओ पांड्या, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुमने तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है, और देखो रबाड़ा के सिर पे तुमने क्या रखा हुआ है? भैया ये टीवीएस की मोटरसाइकिल है, कोई घोड़ा नहीं है। अरे विराट सर, अरे सर जी हमको माफ कर देना, हमने हेलमेट लगाया हुआ है और हम लोग श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज और ODI खेलने जा रहे हैं। और भैया हेलमेट हमारा घर पे भूल गया है, और रबाड़ा को तो हमने पानी की बोतलें लेकर आया हुआ है, ताकि हमें T20 सीरीज खेलने के समय पानी पिला सके। अरे नहीं विराट दादा, इन लोगों ने मुझे ये बोला है कि तुम्हारी शादी कराएंगे, इसीलिए मुझे श्रीलंका लेकर आए है।